हमारी राजस्थान की स्पेशल खोबा रोटी यहाँ पे बनके तैयार है। इसे हमने बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में बनाया है। खाने में ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। आप इसे गाढ़ी दाल या किसी भी सब्जी के साथ खाइए, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो आप एक बार इस तरीके से अपने घर में खोबा रोटी ज़रूर बनाइए, खुद भी खाइए, पूरे परिवार को भी खिलाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों, हमारे फासुमा किचन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं राजस्थान की स्पेशल खोबा रोटी, जो कि स्पेशली राजस्थान में बनाई जाती है। खाने में ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा 2 कटोरी, और ये हमने लिया है अजवाइन 1 बड़ा चम्मच, देसी घी और नमक। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमने यहाँ पर गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे नमक, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक हमें डालना है। और ये हम इसमें डालेंगे अजवाइन, इसे हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और अजवाइन जो है पूरे आटे में मिक्स हो जाए। नमक और अजवाइन हमने अच्छे से मिक्स कर लिए है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो बना लेंगे। डो हमें अच्छा सा सख्त वाला डो बनाना है इसका, जैसा कि हम पूरी के लिए बनाते हैं। ज़्यादा हमें इसे सॉफ्ट नहीं रखना है। तो जितना इसमें पानी हम थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से इसका एक डो बना लेते हैं। तो देखिए, हमारा डो यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। इसे हमने अच्छा सा सख्त बनाया है। अब हम इसे ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए इसे हम साइड में रख देंगे। देखिए, 10 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेते हैं। तो ये अच्छे से अब सेट हो चुका है। इसे हम हाथ से उठाकर इस तरीके से थोड़ा सा मसल लेंगे। अब इसकी हम इस तरीके से लोई बना लेंगे। तो लोई हमें मोटी लेनी है। इसमें हम 2 लोई बना लेंगे। अच्छी सी मोटी सी रोटी बनती है, खोपा रोटी जो होती है, इसलिए लोई ज़रा मोटी ही लेना होता है। तो देखिए, इसमें हमने 2 लोई बना ली है। तो देखिए, अब हमने 2 लोई बना ली थी वो ले ली है, और सूखा आटा गेहूं का ले लिया है। तो हम सूखा आटा थोड़ा सा इस तरीके से नीचे डालेंगे और हम 1 लोई ले लेंगे। इसे हम साइड में हटा देंगे। तो अब हम इससे रोटी बना लेंगे। तो हमें अच्छी सी मोटी सी रोटी बनानी है, पतली नहीं बनानी है बिल्कुल भी। तो देखिए, इस तरीके से हम रोटी बना लेते हैं एक। तो देखिए, हमारी जो रोटी है वो बनके रेडी है। तो इसे हम उठाकर इस तरीके से प्लेट में ले लेते हैं। अब हमने गैस ऑन कर लिया है। तवा हम रख देते हैं नॉनस्टिक वाला, और इसे गर्म होने देते हैं। तो देखिए, तवा जो है अब हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हमने इसका सारा आटा झाड़ दिया है, जो रोटी हमने मोटी वाली बना के रखी थी। तो हम अब इसे तवे पर डाल देते हैं, और इसे हमें ज़्यादा नहीं सेकना होता है, बस हल्का सा इसे हम गर्म होने देंगे नीचे से, और इसे हम जल्दी पलट देंगे। तो देखिए, इसे हम तुरंत ही इस तरीके से पलट देंगे। कच्ची हमें इसे ऊपर से रखना है। अब हम गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम रखेंगे, और अब हम इसमें खोपा रोटी की इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए, इस तरीके से खोपा रोटी की डिज़ाइन जो होती है वो बनती है। इसे चिमटी काटनी होती है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसकी डिज़ाइन अच्छे से बना लेते हैं सारी रोटी में। तो देखिए, 1 राउंड हमने बनाया है। इसी तरीके से हम सारी रोटी में राउंड बनाते हुए डिज़ाइन बना लेंगे। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना होता है, ताकि जो नीचे से रोटी है वो जले नहीं। तो देखिए, इस तरीके से हमने रोटी में अच्छे से डिज़ाइन बना ली है। अब हम इसे गैस को थोड़ा सा हम फास्ट कर लेंगे, और नीचे से अच्छे से रोटी को सेक लेंगे। तो देखिए, अब हम रोटी को पलट देते हैं एक साइड से ही अच्छे से। देखिए, इस साइड से ही अच्छे से पक चुकी है। हल्की सी इसे हमें पका लेना है नीचे से। बहुत ही बढ़िया से इसमें से खुशबू आती है, बहुत टेस्टी लगती है ये रोटी खाने में। तो हम इसे हल्के हाथों से इस तरीके से घुमा लेंगे, ताकि जो हमने इसमें डिज़ाइन बनाई है वो अच्छे से सेके जाए। अब हम तवा हटा लेते हैं। रोटी को हम इस तरीके से चिमटे में पकड़ लेंगे, और रोटी को हमें अब गैस की आंच पर सेक लेना है।
वैसे तो इसे चूल्हे पर बनाया जाता है, लेकिन हम इसे गैस पर बना रहे हैं, इसलिए हम इसे गैस पर सेक लेते हैं। इस तरीके से जलनी नहीं चाहिए, इसलिए गैस का फ्लेम जो है वो हमें लो कर लेना है। और अब हम इसे अच्छे से आगे पीछे से सेक लेंगे तो बहुत ही बढ़िया सा जो है इसमें डिज़ाइन आ जाता है। अच्छे से हम इसे सेक कर पका लेते हैं सारी रोटी को। देखिए अब हमारी जो खोबा रोटी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है सेक कर। इसे हमने दोनों ही साइड से सेक लिया है। देखिए बहुत ही बढ़िया सी ये सेक चुकी है, अच्छा सा इसका डिज़ाइन भी आ चुका है। देखिए तो इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से अब हम हमारी दूसरी रोटी भी बना लेंगे। देखिए अब हमने हमारी दूसरी रोटी भी बनाकर डाल दी है तवे पर। अब इसे भी हम बहुत ही जल्दी से पलट देते हैं और इसमें भी हम उसी तरीके से डिज़ाइन बना लेते हैं। देखिए हम आपको एक तरीका और बताते हैं, हाथों में अगर आपके भाप लगने लगे तो आप इस तरीके से चिमटे से भी इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया से चिमटे से भी डिज़ाइन इसमें बन रही है। देखिए तो देखिए हमने चिमटे से बहुत ही बढ़िया सी खोबा रोटी की डिज़ाइन इसमें बना ली है। अब हम इसे दूसरी ओर से अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए एक ओर से ये भी अच्छे से सेक चुकी है। इसे हम पलट लेते हैं और इसे हल्का सा सेक लेंगे नीचे से। तो देखिए अब हम तवा हटा लेंगे और इसे सेक लेते हैं गैस पर, जैसे हमने पहली रोटी को सेका था उसी तरीके से हम इसे भी सेक लेंगे। तो देखिए अब हमारी जो दूसरी खोबा रोटी है वो भी हमने अच्छे से सेक ली है, तो इसे भी अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं, गैस हम ऑफ कर देंगे। कि हमारी दो खोबा रोटी यहाँ पे बनके तैयार है। इसे अब हम घी लगा लेंगे ऊपर से। घी लगाए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये जो रोटी होती है ये। तो इस तरीके से हम इस पर अच्छे से घी लगा लेते हैं। तो देखिए हमने दोनों रोटियों पर घी लगा लिया है, अब हम इसे सर्व करते हैं। हमारी राजस्थान की स्पेशल खोबा रोटी यहाँ पे बनके तैयार है। इसे हमने बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में बनाया है। खाने में ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। आप इसे गाढ़ी दाल या किसी भी सब्जी के साथ खाइए, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो आप एक बार इस तरीके से अपने घर में खोबा रोटी ज़रूर बनाइए, खुद भी खाइए, पूरे परिवार को भी खिलाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।